मेरे गुरुदेव जी वो साक्षात राधा रानी और कृष्ण भगवान ही है। मन तो यही लगता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचा काम है जल्दी जल्दी काम कर लूं और फिर से मैं मेरे गुरुदेव जी से मिलने के लिए आ जाऊं। थी कठिन परिस्थिति थी तो बहुत जगह ऐसा मन करता था कि अब क्या होगा। हमारी जितनी भी अभी सांसें बची है वो श्री जी के चरणों में हमें धूल बने रखे। उनकी किडनी फेल है, 18-20 साल हो गए, आयु उनको लग जाए हम भी देने के लिए तैयार। लेकिन गुरुदेव जी ने एक ही कहा है कि एक किडनी मेरी राधा है और एक किडनी मेरी कृष्ण है। भगवत प्राप्ति क्या होती है और किस लिए ज़रूरी है ये लोगों को नहीं पता है। राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों से आपको रूबरू कराते रहे हैं। आज एक और हमारे साथ भक्त हैं महाराज श्री के। उनके जीवन में संपर्क होने और दर्शनों के बाद एक भक्त का जीवन इस तरह बदल गया कि वह खुद भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। आइए खुद उन्हीं से जानते हैं कि ये चमत्कार उनके साथ कैसे हुआ और वो कैसे प्रेमानंद जी महाराज के इतने बड़े भक्त बने। राधे राधे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेष दोषी है, मैं नागपुर से हूँ। नागपुर के आगे गढ़चिरौली जिला है, वहाँ से हूँ मैं। अभी भी देखा था महाराज श्री के दर्शन करने आए थे तो वहाँ कैसे? हाँ बस उनकी एक लगन है, उनकी एक शक्ति है, पता नहीं वो खींच लाती है तो हम दर्शन करने आते हैं। पिछले 8 दिन से मैं रुका हूँ यहाँ पे, तो 8 दिन समझ लीजिए कि रोज़ मैं दर्शन करने आता हूँ उनकी और दर्शन हो भी जाते हैं। इतनी कृपा है मेरे गुरुदेव की। गुरुजी को कब से जानते हैं और क्या सुना है और क्या मानते हैं आप? गुरुजी से मैं 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ। बस एक उनकी वाणी जो है जो मुझे प्रेरित करती है, उनकी तरफ खींच लाती है। वो जो उपदेश करते हैं युवाओं के लिए कि किस तरह से आप जीना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। लेकिन बहुत से लोग भगवत प्राप्ति क्या होती है और किस लिए ज़रूरी है ये लोगों को नहीं पता है। लेकिन गुरुदेव के ज़रिए ही हमें सब कुछ मिला है और हम उनके ही उपदेश मान के आगे हमारा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके आदेशों में। वो जिस तरह से बोलते हैं कि कैसे रहना है, धर्म आचरण करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, समाज में कैसे लोगों की सेवा करके जीना है, अपने को मन में स्वार्थ भाव न रखते हुए अपने को अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। महाराज जी के बारे में आपको कैसे मतलब पता चला, कैसे जानकारी हुई कि महाराज श्री यहाँ हैं, क्योंकि आप बहुत दूर यहाँ से कैसे? मैं बस ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते मुझे महाराज जी का पता चला। पहले मैं उनके बहुत कम समय वीडियो वगैरह देखता था, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे थे यूट्यूब में जो रील्स वगैरह बनते हैं, उनके एक वाणी में ऐसा प्रताप है कि आदमी यहाँ पे उनको आमने सामने न देखते हुए भी सिर्फ सुन के ही अपने खुद के चरित्र में, खुद के जीवन में वो बदलाव ला सकता है। तो उन्हीं के साथ में जुड़ा, फिर उनके मैंने दर्शन किए वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन आके उनसे मिला मैं। तो बस तब से जुड़ा और तब से ऐसा है कि अब वो पूरा मेरा जीवन उनके लिए ही समर्पित है और राधा रानी के लिए ही मेरा जीवन बस बचा हुआ है। वो जैसा आदेश करेंगे, जैसा चलाएंगे हम, वैसे चलने की सामर्थ्य वो हमें दे, बस यही श्री जी से कृपा है हमारी। तरह मतलब कब आए थे पहली बार? सर मैं लगभग जून 2022 में आया था, तब बस परिक्रमा मार्ग पे मैं दर्शन किया था तब। और जैसे उनका सत्संग वगैरह चलता है तो वहाँ मैं बाहर जाके बैठा रहता था कि शायद मुझे अंदर जाने का मौका मिले। ये तो तब भीड़ वगैरह भी रहती थी, तो जैसे पहले दिन ही आया तो गुरुदेव जी की कृपा होगी या श्री जी की कृपा होगी, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर उनके सत्संग हॉल तक भी कोई नहीं जा सकता है। तो मुझे पहले ही दिन वहाँ पे अंदर जाने का मौका मिल गया और जो भी है सत्संग कीर्तन मुझे सुनने का मौका मिला। उसके बाद मैं और 3 महीने के बाद राधा कृष्ण जन्माष्टमी में आया था पूरे परिवार के साथ में। तो माता पिता तो कृष्ण जन्माष्टमी मना के चले गए, लेकिन मैं रुका था, मेरा जन्मदिन था 11 सितंबर को। तो मैंने उनसे, प्रभु जी से, जो उनके आला महाराज वगैरह रहते हैं, मैंने उनको बोला कि मेरा जीवन का 1 वर्ष समाप्त हो गया है, कम हो गया है, तो इसलिए मुझे गुरुदेव जी से मिलने दीजिए और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जो विकलता मेरे मन में है एक बार उनसे मिलने के बाद ही वो कम हो सकती है। तो उन्होंने मुझे टोकन दिया। 11 तारीख को एकांतिक दर्शन मेरे बहुत अच्छे गुरुदेव जी से हुए, तो फिर मैं जुड़ता गया। फिर सितंबर के बाद मैं फिर और नवंबर में भी आया था, नवंबर में भी फिर परिवार के साथ आया था। और जब आए थे
पहली बार महाराज जी से आमना सामना हुआ, तो उस समय दर्शनों की जो चमक थी आपके अंदर, वो खुशी तो बहुत थी गुरु जी कि जैसे उन्होंने एक हमारा जीवन बदल दिया। अब हम आपको ऐसे बताएं कि उन्होंने बिना तेल का दिया जला दिया, ऐसे मैं इस रूप में बोल सकता हूँ, क्योंकि जीवन की समस्या इतनी थी, कठिन परिस्थिति थी, तो बहुत जगह ऐसा मन करता था कि अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन गुरुदेव जी ने, पता नहीं हम सबसे पहले गुरुदेव जी से जब नहीं जुड़े थे, अब हम श्री राम जी के, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे काशी विश्वनाथ जी के, तो जैसे गुरुदेव कहते हैं उन्होंने भी काशी में इतने साल गुजार दिए, उनका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हरि कृष्ण नारायण शिव ये सब एक ही है। शिव जी का भी यही होगा कि आप श्री राम वृंदावन में जाके अपना सारा जीवन ये करिए और उनके मार्गदर्शन में रहिए। उन्होंने एक तरह से जीवन ही बदल दिया। जैसे हम युवा वर्ग है, हमको भी जैसे बाहर मित्रों के साथ जाते थे तो बाहर घूमना खाना पीना वगैरह होता था, लेकिन जब से उनसे जुड़े हैं तो ऐसे कुछ इच्छा भी नहीं होती है कुछ ऐसे कि दोस्तों के साथ जाए, क्योंकि दोस्तों के साथ गए तो गलत बातें गलत आचरण करना सीखना होता है, तो वो बस अभी नहीं सीखना है, क्योंकि जैसे कुछ गलत दिखता है तो मुझे मेरे गुरुदेव के उपदेश मुझे दिखते हैं कि ये गलत है मुझे नहीं करना है, तो बस अभी हम नाम जप करते हैं और जैसे श्री जी रखेंगे हमको वैसे हम आएंगे जाएंगे और दर्शन करके जब जब बुलावा आएगा तब तब हम आते जाएंगे। यही कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की हमको। जिस तरह आपने कहा कि उनके उपदेश सुनने के बाद, उनसे मिलने के बाद आपका जीवन एक तरह से बदल गया था, तो वो क्या चेंजेस थे जो आपके जीवन में आए, बताना चाहिए। जैसे चेंजेस, जैसे काम में जैसे कोई दिक्कत आती थी, घर परिवार में थोड़ा कलह होता था तो, और गलत आचरण भी कभी कभी होते थे, झूठ तो पहले कभी बोल दिया होगा, लेकिन अब जब से गुरुदेव जी से जुड़े हैं झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। कुछ घर में ऐसी तकलीफें थी, ये थी, ऐसा मन करता था कि कहीं चला जाऊँ, छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन इनका सुनने के बाद गुरुदेव जी का ऐसा लगा कि खुद को हानि पहुँचा के अपने को नहीं करना है, अपने को संघर्षों से लड़ना है। ऐसा कितनी भी तकलीफें आए, कितना भी आपको हो कि आपके कोई साथ नहीं है, श्री जी और हरि अपने साथ में हैं, बस उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का हम माला नाम जप करते हैं, और हमें इतनी तो भगवान ने दी है कि हम निर्भय निसंकोच हम है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है, अभी गलतियाँ हुई होंगी पूर्व में, तो महाराज जी भी यही बोलते हैं गलती हो गई है तो आप भगवान से माफ़ी मांग लीजिए और आगे नहीं करना है अपने को, ये करना है तो इस मार्ग में हम चलना है, निसंकोच है, हम नाम जप करते हैं जब जब समय मिलता है, काम कार्यरत रहते हैं तो भी हम हमारे मन के अंदर श्री जी की कृपा से नाम जप चलते रहता है। क्या करते हैं आप, क्या कारोबार है आप? मैं पिताजी के साथ मिलके हमारा चावल का काम है और ये प्रॉपर्टीज़ का वगैरह भी काम है, तो मैं और पिताजी साथ में मिलके ही काम करते हैं। पिताजी भी अभी उम्र उनकी 67 हो गई है, तो मैं ही देखता हूँ बाकी काम काज वगैरह। वृंदावन से जाने के बाद मन लगता है फिर, या बार बार मन यहीं आने का? नहीं, बस मन तो यही लगता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचा काम है जल्दी जल्दी काम कर लूँ और फिर से मैं मेरे गुरुदेव जी से मिलने के लिए आ जाऊँ करके, तो मन नहीं मानता है मुझे, बहुत मन करता है कि मैं यही रह जाऊँ करके, ब्रिज का ब्रिजवासी बन के रहूँ। तो महाराज जी को, मतलब महाराज जी को देख करके आपको कैसा लगता है? बहुत से लोग कहते हैं कि उनमें राधा रानी का स्वरूप है, बहुत से कहते हैं कि श्री कृष्ण का वास है, मतलब लोग अपनी अपनी भावनाओं से अलग अलग रूप में देखते हैं, आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो उनको, मेरे गुरुदेव जी वो साक्षात राधा रानी और कृष्ण भगवान ही है, कि जैसे उनकी किडनी फेल है, 18-20 साल हो गए, बहुत लोग बहुत भक्त उन्होंने बोला कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कर लीजिए, हम भी है कि हमारी आयु उनको लग जाए हम भी देने के लिए तैयार, लेकिन गुरुदेव जी ने एक ही कहा है कि एक किडनी मेरी राधा है और एक किडनी मेरी कृष्ण है, तो मैं राधा और कृष्ण को अपने शरीर से नहीं निकाल सकता, जब तक उनकी मर्जी है वो लोगों को मार्गदर्शन करके अच्छे मार्ग पे चलाएंगे और जब उनकी श्री जी की कृपा होगी तो वो श्री जी उनको उनकी इच्छा जैसे वो करना है, लेकिन हमें हमारे गुरुदेव जी को कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, हमारे गुरुदेव इतने प्यारे हैं, उनको हमारी आयु लग जाए, हमारी आयु चली जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमारे गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि एक एक आयु जाने से अगर लाखों करोड़ों लोगों का फर्क पड़ता है, युवाओं में जो असत आचरण करके उन्होंने अच्छे आचरण धर्म धर्म के लिए अपने करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए करना चाहिए, तो ऐसे लिए हम अपना आयु भी देने के लिए तैयार है गुरुदेव जी के लिए,
क्योंकि गुरुदेव जी रहे ना रहे, उनके बोले हुए उपदेश लोगों के मन में, उनके दिमाग में ग्रहित हो चुके हैं, हमेशा उनके आचरण उपदेश हमारे मन में रहेंगे। मतलब आप कुछ ऐसी अभिलाषा है जो महाराज जी से मिलकर आप उसे पूछना चाहेंगे या जीवन में आत्मसात करना चाहेंगे, कुछ है ऐसा शेष? नहीं, ऐसे शेष तो ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमें गुरुदेव जी से मिलना चाहिए, अगर श्री जी की कृपा से कभी मिलने का मौका मिले हमें तो, हमें तो बस यही जानना कहना है कि हमारी जितनी भी अभी सांसें बची है वो श्री जी के चरणों में हमें धुन बने बने रखे, और जब तक हमारी श्वास है तब तक हम निरंतर नाम जप पूजन भजन कीर्तन करते रहे, और राधा रानी हमारी लोगों के सेवा करने का हमें मौका दे और समाज में कुछ अच्छा कार्य करने का मौका दे, और गलत आचरणों से और कहीं गलत भटकने से हमें बचाए, वो हमें अच्छा मार्ग दिखाए, बस हम यही चाहते हैं गुरुदेव जी से। और गुरुदेव जी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हम यही चाहते हैं हमेशा वो, क्योंकि वो हमारी जान है, हम उनके बगैर रोज़ उनको सुने बगैर यहाँ पे है तो रोज़ सुनते ही है, नहीं भी है तो हम हमारे घर में भी उनको रोज़ सुनते हैं, उनके लिए बस अभी हमारा जो शेष जीवन है उन्हीं के लिए है सब कुछ, हमारे गुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी के लिए। अक्सर वीडियो में सुनते रहते हैं आप यहाँ से जाने के बाद? सुनते रहते हैं, जब कभी खाली समय मिले, नहीं भी समय मिले तो भी हम समय निकाल के हमारे गुरुदेव जी के लिए हम गुरुदेव जी का प्रवचन सत्संग उनके उपदेश छोटे छोटे रील सब सुनते हैं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ भक्त जिन्होंने अपने जीवन में जो बदलाव हुए उसके बारे में विस्तार से बताया, और बताया कि उनके मन में महाराज श्री के प्रति कितना आदर और भाव है। वे चाहते हैं कि अगर उनका बस चले तो वे अपने जो आयु है अपना जीवन है वो भी महाराज श्री पर बलिदान कर दें, तो ऐसे भक्तों के लिए हम भी नमन करते हैं। तो आपको इनकी भक्ति कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, आगे अन्य ऐसे ही भक्तों से आप रूबरू कराते रहेंगे। राधे राधे।